स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई सोशोलॉजी बहुत सर्विस है, है और इस एनालिटिकल किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए एक कॉन्सेप्शुअल क्लियरिटी और दूसरा इंटीग्रेशन अगले चार लेक्चर्स के अंदर जो चैप्टर वन है पेपर वन का वो कवर करेंगे जहां पर बेसिकली तीन टॉपिक है वैसे देखा जाए तो चार टॉपिक है एक इमोजेंस ऑफ सोशोलॉजी स्कोप कंपेरिजन ऑफ विद अदर सोशल एंड कॉमन सेंस नॉलेज अगले चार लेक्चर के अंदर मैं ये चारों टॉपिक कवर करूंगा जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि सोशोलॉजी पढ़नी कैसे है और कैसे हम स्टडी आईक्यू में हमारे सोशोलॉजी प्रोग्राम के अंदर पढ़ाते हैं जो बैच थ्री जिसका लॉन्च होने जा रहा है नौ जनवरी को नौ जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी और जहां पे हर सब 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 टॉपिक कवर करेंगे और तरीका क्या होगा शायद आप जान जाओगे अगले 10 से 15 20 मिनट में को डिव लाइव यूज करोगे तो एटलीस्ट टर्टी फर्स्ट दिसंबर यू विल बी गेटिंग ए वेरी गुड डिस्काउंट एंड आफ्टर दैट द डिव लाइव अगेन गिव यू सर्टन गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एज वेल तो प्लीज इंश्योर दैट कि अगर आपको लेक्चर समझ में आता है और अगर आपको शायद का तरीका समझ में आता है, तो दिस इज हैंड रिटन नोट भी दिए जाएंगे आपको crux भी दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी आपके पास पीपीटीज रहेंगे विच इज मोर देन सफिशियंट एज फार एज सोशोलॉजी मेरा दावा है कि डेफिनेटली आप इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा डेली आंसर राइटिंग सेशंस भी होती है और वीकली एवरी फ्राइडे हम डाउट सेशंस रखते हैं ताकि पूरे वीक का जो डाउट है वो क्लियर हो सके और आपको ये ऑनलाइन की प्रेजेंस ही फील नहीं हो और आपको लगे कि ऑफलाइन बैच है तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से इमोजेंस ऑफ सोशोलॉजी इस पूरे एक डायग्राम के अंदर मैंने इमोजेंस ऑफ सोशोलॉजी को आ, आ, शॉर्ट में लिखा है अगर आप देखो सोशियोलॉजी कोई भी डिसिप्लिन इमर्ज कैसे होता है सोशियोलॉजी इज अ वेरी न्यू डिसिप्लिन व्हेन टू द अदर सोशल साइंसेज अब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता कैसे एक इतना फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का कि अगर पिछले पंद्रह से बीस साल के पेपर्स उठाते हो तो हर साल एक क्वेश्चन इमर्जेंस से आता है या मॉडर्निटी से रिलेटेड आता है तो अगर वो दस मार्क का क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो एटलीस्ट आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यह मार्क वाला क्वेश्चन पॉकेट में कैसा रखा जाए और शायद इस पर मेहनत नहीं करनी पड़े इधर कंफ्यूजन भी बहुत होता है अगर आपने इग्नो जैसे सोर्सेस फॉलो किए तो समझ में नहीं आता कि कमर्शियल रेवोल्यूशन साइंटिफिक रेवल्यूशन फ्रेंच और इंडस्ट्रियल कनेक्शन क्या है एनलाइटनमेंट कैसे कनेक्ट कर रहा है चीजों को अगर मैं दिखाऊं इस पूरे डायग्राम के अंदर सेंचुरी में डार्क एज हुआ करती थी फिर एनलाइटनमेंट आने के बाद में, जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्वेश्चन करने लगते हैं और वो कैसे किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई जिसने तौर तरीके बदल दिए सोसाइटी के जब इतनी सारी चेंजेस या बदलाव आता है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर सॉरी किसी भी सोसाइटी के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ क्योस लाजमी है कि कुछ ना कुछ क्योटिक कंडीशंस होंगे जब तरीके चेंज होते हैं और पूरे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो, होते हैं तो क्योस आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन लो डीमोनेटाइजेशन इनिशियल फेज में जब आया इंडिया के अंदर तो कहीं ना कहीं इनिशियल फेज में क्योटिक कंडीशन रहे लाइने लगनी पड़ी कंफ्यूजन रहा बहुत सारे रूल्स चेंज होते गए और ये जब क्यूर्स आया तो जब आपकी हेल्थ बिगड़ती है तो आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस तभी रियलाइज होती है जब क्योस आया तो लोग डिबेट करने लगे कि वापस ऑर्डर कैसे लेके आ जाए सोसाइटी में तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ डिबेट्स हुई आ, सोसाइटी के अंदर बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स और फाइनली एक मत क्लियर था सारे इंटेलेक्चुअल्स का कि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए और जब साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करने की बात आई तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पीछे हट गए क्योंकि उनके पास पूरी सोसाइटी को होलिस्टिकली पढ़ने की कैपेसिटी नहीं थी हर डिसिप्लिन अपने अपने पहलू पढ़ रहा था पॉल साइंस अपने एस्पेक्ट पढ़ रहा था साइकोलॉजी इंडिविजुअल को पढ़ रहा था वैसे ही फिलोसफी मेटाफिजिकल रियालिटीज पढ़ रहा था तो एक नई डिसिप्लिन की जरूरत फील हुई और इस तरीके से सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ शायद मेरे हिसाब से पांच मिनट में इस तरीके से मॉडर्निटी खत्म करने के लिए आपको क्लैरिटी भी चाहिए और कनेक्शंस भी चाहिए दिस इज हाउ एट स्टडी आईक्यू वी टीच सोशियोलॉजी अब थोड़ी-थोड़ी इनकी डेप्थ देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly हम लेक्चर्स में एक्सप्लेन कैसे करते हैं किस तरीके से हम लेक्चर्स में स्टूडेंट को इस समझाते हैं कि वो एक एक कंटेंट एक बार भी पढ़ लिया तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि हर बार हम रिवीजन पे छोड़ देते हैं चीजें इससे रिवीजन रियलिटी में हमारी एक स्टडी बन के रह जाती है और वहीं पे पहली रीडिंग में कनेक्ट कर लिया तो सेकेंड रीडिंग में आपकी

अब हालांकि यूरोप में कास्ट नहीं थी बट आपको एग्जाम्पल दिया है रेस भगवान ने बनाई इन भगवान ने बनाई सो डार्क एज के अंदर कोई भी बेसिस का लॉजिक नहीं था जो लॉजिक था वो सीधा सीधा डिवाइन क्रिएशन से आ, आ, जुड़ा हुआ रहता था और ये डार्क डार्केज वो है जहां पे चर्च स्ट्रॉगली डोमिनेट करता था रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस कभी भी तभी आएंगे जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेटिंग हो ये वो टाइम था जहां पे चर्च की एक्सप्लेनेशन विदाउट क्वेश्चन एक्सेप्ट करनी अनिवार्य थी एग्जाम्पल अगर कोई भी चर्च की टीचिंग को टीचिंग का उल्लंघन करता था इफ इफ पीपल डिड नॉट फॉलो The church's teaching, they were eliminated from the society. Take an example of Copernicus. Copernicus ने बताया कि कैसे सन सेंटर में है अर्थ उसके around रिवॉल्व करता है जो completely contradictory थी चर्च की एक्सप्लेनेशन से चर्च मानता था अर्थ सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उससे रिवॉल्व करती थी जैसे ही कॉपरनिकस ने ये बोला सिंस इट वायलेटेड द परसेप्टिव और perceptions ऑफ द चर्च पर निकस वॉज पब्लिकली बर्न इनफैक्ट सो डार्क एज वॉज दैट वे द सोसाइटी वॉज स्ट्रांगली रेग्युलेटेड बाई द थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और जब भी किसी सोसाइटी में एक एक्सट्रीम लेवल पे दबाव बना के रखा जाए लोगों को कंट्रोल किया जाए जैसे KGF अगर मूवी देखी है तो लोगों को इतना कंट्रोल किया गया कि एक रेवल्यूशन जैसी चीज या फिर एक चेंज जैसी चीज अनिवार्य हो गई क्यों जब एक टाइम पे लोगों का डर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें बदलना स्टार्ट होती है और ये बदलने की शुरुआत कहां से हुई दो चीजों से कमर्शियल और साइंटिफिक रेवल्यूशन तेरहवीं सदी के अंदर जब डार्क केस था तो धीरे धीरे फोर्टीन सेंचुरी से हम देखते हैं कमर्शियल और साइंटिफिक रेवल्यूशन स्टार्ट होती है अब पहले समझते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से ये आगे जाके बहुत बड़ा बेस क्रिएट करती है एनलाइटनमेंट के लिए कमर्शियल रेवोल्यूशन थी कि अगर आ, सोसाइटी देखो एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड पहले लैंड से हुआ करती थी एंड लैंड से होने के कारण एनिमल्स थे जिसके बेसिस पे सामान या गुड्स लेके जाया जाते थे अब इस सर्कमस्टेंसेस में इटली एक कनेक्टिव पॉइंट हुआ करता था और उस इटली ने किया क्या के एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए जिसके कारण मर्चेंट्स का जो प्रॉफिट है वो कम होने लगा सो नाउ देर वॉज अ डिमांड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप एंड एज अ रिजल्ट पोर्चुगीज स्पेन ब्रिटेन और फ्रांस ये जो मेजर प्लेयर्स थे इनमें से पोर्चुगीज और स्पेन जैसे लोगों ने मर्चेंट्स को फाइनेंस करना स्टार्ट किया मेनी ऑफ द किंग्स इन पोर्चुज इन पोर्चुगल स्टार्टेड फाइनेंसिंग द मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू लार्जली फाइंड आउट अ सी रूट टू एशिया एंड फाइनली 1498 के अंदर वो सी रूट फाइंड किया गया अब जब सी रूट फाइंड किया गया तो जो ट्रेड का वॉल्यूम था वॉल्यूम था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा गुड्स जो है वेस्टर्न यूरोप में ले जाए जा सकते हैं एट कम प्राइस के अंदर क्यों इकोनॉमी का लॉ uh, uh, लगाओ जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ज्यादा प्राइस कम होगा तो यहां कमर्शियल रेवोल्यूशन लार्जली रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री वेर विच लेड टू द इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड द एशियन कंट्रीज एंड रिजल्ट ऑफ विच एक नई क्लास आई जिसका नाम है मर्चेंट क्लास प्रीवियस टू तो कमर्शियल रेवल्यूशन लैंड से होती थी सारी चीजें और चेंज जो आई कमर्शियल से एक नई मर्चेंट क्लास की एस्टैब्लिशमेंट हुई के इट लार्जली लेट इट लार्जली लेट टू तो द राइज ऑफ मर्चेंट क्लास ये मिडिल क्लास नहीं है मर्चेंट क्लास है बीवरी क्या फुल विदैट मर्चेंट क्लास अब कौन था जो ये यू नो सेलर्स थे ये कहीं ना कहीं मर्चेंट क्लास अब इनके पास पैसा बेहतर होने लगा क्योंकि ट्रेड ज्यादा बेहतर होने लगी इस मर्चेंट क्लास को एक बार यही छोड़ देते हैं क्योंकि ये मर्चेंट क्लास है जो बेस बनती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे जाके तो कमर्शियल रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्पीयर में चेंज की और ट्रेड को ज्यादा बेहतर बना दिया जब ये कमर्शियल रेवल्यूशन हो रही थी साथ ही साथ में एक और चीज चल रही थी सोसाइटी में द राइज ऑफ रैशनैलिटी द रैशनल स्पिरिट लॉजिकल स्पिरिट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो डार्क एज में हर चीज डिवाइन से एक्सप्लेन की जा रही थी धीरे धीरे लोगों में रैशनैलिटी आने लगी कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेट टू द राइज ऑफ टू थिंग्स वन द टेक्नोलॉजी सेकेंड इज द आइडियोलॉजी एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप होनी स्टार्ट होती है और साथ ही साथ में आदमी के रैशनल माइंड सेट डेवलप होने लगे साइंटिस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं एक लॉजिकल तरीके से स्पेस को पढ़ना स्टार्ट किया अर्थ को पढ़ना स्टार्ट किया नेचुरल फिनोमना को पढ़ना स्टार्ट किया और अब लॉजिक एस्टैब्लिश होने लगा सोसाइटी में बट गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेट टू द राइज ऑफ आइडियोलॉजी इंटेलेक्चुअलिटी रेस्ट्रिक्टेड थी, यह थी कुछ लोग थे जो अब लॉजिकली सोचने लगे थे और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा एक्सप्लेनेशन अब लॉजिकली देने लगे अब धीरे धीरे कैसे यह इंटेलेक्चुअल तक जो रेस्ट्रिक्टेड रेसनालिटी थी आगे जाके कैसे एक सडन फिनोमेना आता और ये पूरी सडनोमीशनलिटी लोगों तक ट्रिकल डाउन कर जाती है और अब ये कमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन दोनों जब मिलाए जाते हैं एक तरफ ट्रेड बढ़ गई नई क्लास का राइज हुआ दूसरी तरफ रैशनलिटी आने लगी और इसके चलते यूरोप में फेस किया जाता है सेवनटीन सेंचुरी में एनलाइटनमेंट इन सेवन सेंचुरी दी एनलाइट टूक प्लेस इन देश यूरोप अब लाइट रेफर्स टू व्हाट पीरियड ऑफ री अवेकनिंग एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन इसी तरीके से दी जाती है in the Western, 17, uh, कैसे मुद्दे की बात यह है इससे पहले हमने देखा थोड़ी थोड़ी रैशनैलिटी आने लगी इन साइंस या नेचुरल फिनोमना से इन्फ्लुंस होकर जो ने, नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ स्कॉलर आए वर्ल्ड के अंदर जो कहीं ना कहीं अब सोशल वर्ल्ड में भी वो रैशनैलिटी लगाने लगे कौन कौन थे जैसे वॉल्टेर ने थियरी दी थियरी ऑफ बेसिक राइट कि एवरी ह्यूमन हैव सर्टेन बेसिक राइट्स एंड दो राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड मॉन्टेस्क्यू आए सेपरेशन ऑफ पावर थियरी किस तरीके से

क्लासेस के अंदर के डेप्थ में एक एक चीज के ऊपर हमें एक एक क्लास लेनी पड़ती है दिस दिस स्पेसिफिकली थिंग इज डन सो दैट आपको समझ में आए सोशियोलॉजी पढ़ी कैसे जाती है scholars, जैसे लॉक रूसो तो कियावली ये सारे लोगों ने अब सोसाइटी के अंदर भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हर आदमी का कुछ बेसिक राइट है कैसे स्टेट जो है किंग भगवान ने नहीं बनाया है स्टेट जो है लोगों ने बनाया जैसे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी तो लॉजिक जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रेवल्यूशन से आ रहा था जो सिर्फ एक साइंटिस्ट कम्युनिटी में रेस्ट्रिक्टेड था एनलाइटनमेंट के टाइम के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स ने वही साइंटिफिक लॉजिक अब सोशल एक्सप्लेनेशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और जिसके कारण यूरोप के अंदर आता है एनलाइटनमेंट और यू नो इट वेल जब एनलाइटनमेंट आ जाता है किसी सोसाइटी के अंदर तो वो एनलाइटनमेंट धीरे, धीरे 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 जैसे साइंटिस्ट से कुछ इंटेलेक्चुअल्स में आया अब ये इंटेलेक्चुअल्स ने जो दी, एक साथ एक्सेप्ट नहीं हो जाएगी masses से। विल नॉट जस्ट एक्सेप्टेड। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक्सेस एक्सेप्ट करने लगती है और उसके चलते इसी एनलाइट कारण बेस बनता है और दो ग्रेट इवेंट्स होते हैं वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में एज फ्रेंच रेवल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन फ्रेंच रेवल्यूशन क्या है ट इन द सोसायटी ऑफ फ्रांस बट द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दूच सोसाइटी वो यूरोप और धीरे धीरे पूरी की पूरी वर्ल्ड में फैल गई फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का अगर स्थिति बताऊं तो फ्रांस के अंदर तीन स्टेट हुआ करते थे फ्रेंच रेवल्यूशन से पहले फ्रांस का क्या कंडीशन था तीन स्टेट थे वन क्लोजी सेकेंड नोबेल्स और थर्ड कॉमनर्स क्लर्जी और नोबेल्स वो लोग थे जो कोई टैक्स पे नहीं करते थे और लग्जूरियस लाइफ जीते थे कॉमनर्स वो लोग थे जो ये दोनों नहीं थे तो मेजोरिटी यहां पे थी ये सारा टैक्स पे करते थे सारा बर्डन इनके ऊपर था बट फिर भी इनकी सोशल पोजीशन लो थी इनकी सोशल पोजीशन हाई थी अब अगर आपको याद है मैंने बताया था कमर्शियल रेवोल्यूशन में एक मर्चेंट क्लास आती है ये कौन थे सेलर्स थे मर्चेंट्स थे जो ट्रेड करते थे ये किस में बिलोंग करते थे ये कॉमनर्स में बिलोंग करते थे तो ध्यान से समझो एक तरफ मर्चेंट क्लास का इकोनॉमिक पोजिशन अब स्ट्रॉन्ग होने लगा दूसरी तरफ अब ये फ्रेंच एनलाइटमेंट के कारण एक नया आइडियोलॉजी आने लगा कॉमनर्स के अंदर कि नहीं यार किंग को क्वेश्चन किया जा सकता है जब आपको ये बोला जाए कि जात जो है भगवान ने बनाई है आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे लेकिन कोई आके आपको जगाए और बोले कि नहीं ये जो जात पात है वो लोगों ने बनाया है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि वो डिवाइन नहीं माना जा सकता है तो जब एनलाइटनमेंट आया लोगों में वो रैशनैलिटी आई तो एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी आई और इस अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के बैकग्राउंड में देखो तो ये कॉमनर्स की इकोनॉमिक पोजिशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो रही थी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन तो कपल्ड विदेरी आइडियोलॉजी प्रोवाइडेड बाई एनलाइटनमेंट एंड ऑल्सो The economic upliftment made by the commercial revolution. The French society went for French revolution. कि हम देखते हैं 17 uh, uh, 1798 के आसपास 1789 के आसपास फ्रेंच रेवल्यूशन होती है जहां पे लोग रेबल कर देते हैं और पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाता है और एक डेमोक्रेसी या फिर एक मास पावर की एस्टेब्लिशमेंट होती है वैसे ही जब ये फ्रेंच रेवल्यूशन हुई उसी टाइम पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत आ, एक अलग लेवल पे जा रही थी इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन विच टूक प्लेस ड्यूरिंग दी सेवेंटीन सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप स्टार्ट होती है ये ब्रिटेन से लेकिन ऑब्वियसली पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप और पूरी की पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हो जाता है अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं काम करने के तरीके चेंज हुए कैसे पहले जो प्रोडक्शन था घर में बनाया जाता था फिर जो है फैक्ट्री सिस्टम्स बने बने एंड सिटीज अर्बन सिस्टम आए अर्बन प्रॉब्लम्स आई अपलिपमेंट आया पॉवर्टी कम हुई एक जगह कुछ जगह ज्यादा हुई स्लम्स आई इनक्वालिटी आई बहुत सारी चेंजेस आई इंडस्ट्रियलाइजेशन से वुमेन की पोजिशन चेंज हुई काम करने के तरीके चेंज हुए कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म जैसी पॉलिसीज आई तो हम अगर आप कनेक्ट करें अगर देखे सेवेंटीन डार्क एज के अंदर एक आदमी थियोलॉजिकल था जो चर्च बोलता था उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट आए नेचर को साइंटिफिकली एक्स्टेब्लिश किया और उन्हीं से लॉजिक बॉरो करके एनलाइटनमेंट के अंदर लोगों ने वही लॉजिक को अप्लाई कर दिया सोशल एक्सप्लेनेशन के लिए और वो सोशल एक्सप्लेनेशन से उनको एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी मिला क्षमता आई लोगों को क्वेश्चन करने के लिए और साथ ही साथ में उनका इकोनॉमिक भी हो रहा था बिकॉज ऑफ कमर्शियल रेवल्यूशन और इसके कारण दो ग्रेट इवेंट्स होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये दोनों रेवोल्यूशन इस कदर कहर ढाती है यूरोपियन सोसाइटी में कि पूरा का पूरा ढांचा यूरोपियन सोसाइटी का यू नो कंप्लीटली चेंज हो जाता है टर्न ऑन इट्स हेड तो पहले सर ऊपर था तो फिर वो सर नीचे चला गया ऐसा मान लो क्या क्या चेंजेस आए इकोनॉमिक स्पीयर के अंदर नए टाउन सिटीज फैक्ट्री सिस्टम्स ये सारी आए पॉलिटिकल के अंदर डेमोक्रेसी हम देखते हैं, दोनों फ्रेंच और के लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा होने लगी और सोशल स्पीयर के अंदर कल्चरल प्रैक्टिस सोशलाइजेशन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम मैरिज पैटर्न हर किसी चीज में बदलाव आया जब सोसाइटी इतनी ज्यादा बदल जाती है पहले तो जो ये प्रैक्टिस सदियों से चल रही थी लोगों को क्या था एक कॉमन वैल्यू थी जो इंटीग्रेट करके रख रही थी लेकिन सडनली जब बदलाव आता है तो कुछ लोग होते हैं गो बैक टू वेदास मतलब पास्ट पे ही बिलीव करते हैं तो कुछ कॉमनर्स थे जो पास्ट को ही सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग थे जो मॉडर्निटी के कंटेक्ट uh, के अंदर मॉडर्निटी को सेलिब्रेट कर रहे थे तो मल्टीपल वैल्यूज सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी कुछ एक को फॉलो कर रहा है कुछ बी को फॉलो कर रहा है और इस कंटेक्स के अंदर आता आता है है कब सोसाइटी में जब किसी भी चीज का एक राइट पैटर्न नहीं होता है करने का एक राइट पैटर्न होता है तो हर कोई इस पैटर्न को फॉलो करता है लेकिन अगर राइट पैटर्न नहीं है तो क्यों रहेगा टेकन एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं अभी कि इंडिया के अंदर जिसको कास्ट फॉलो करनी है कास्ट कर ले जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है कॉन्स्टिट्यूशन कर ले एक कॉस आएगा कभी कोई कास्ट फॉलो कर रहा है कभी कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है और जब ये क्योस आया तो यूरोपियन सोसाइटी में दो बड़े इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई एक थे रेडिकल्स रेडिकल्स वो लोग थे वो जो मानते थे कि ये जो मॉडर्निटी से चेंजेस आई है अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे-धीरे जब सोसाइटी एक स्टेबल uh, हो जाएगी तो ये सारे के सारे नेगेटिव फोर्सेस हट जाएंगे तो इन शॉर्ट बोलूं तो रेडिकल्स वर दोस पीपल हु सेलिब्रेटेड मॉडर्निटी एंड दे वांटेड मॉडर्निटी टू बिकम अ कांस्टेंट रियलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बट कुछ लोग थे जो इस कयाॉस से नाराज थे वो

कि इस क्योर्स को टैकल करने के लिए अब एक ही सोल्यूशन है कि सोसाइटी की जो है साइंटिफिक स्टडी की कॉमन पॉइंट था कि ये इस को तभी टैकल किया जा सकता है, जो ये हुआ है उसको किया जाए। एक मेच्योर्ड साइंटिफिक तरीके से वी नीड टू स्टडी दिस एंड वंस वी कैन स्टडी दिस वील एबल टू री एस्टेब्लिश ऑर्डर इन द सोसाइटीज एंड दिस इज वॉट है साइंट दोपेंड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सिंस कोई डिसिप्लिन पूरी होलिस्टिक सोसाइटी पढ़ नहीं रहा था तो देर फोर सो एक नए डिसिप्लिन की उम्मीद लगाई गई एक नए डिस की रिक्वायरमेंट पैदा हुई जिसके कारण सोशोलॉजी बना तो अगर आप यह दस पंद्रह मिनट में देखो तो हमने पूरी यूरोपियन मॉडर्निटी टेक्निकली की है और हालांकि कंटेंट बहुत ज्यादा और फिट हो सकता था नॉर्मली टेक्स two to three classes to complete this. but my purpose of this is to make you understand कि किस तरीके से at study IQ we are actually teaching sociology. अगर आपको कोई चीज़ connect करके समझाई जाए तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है. Batch three starting from ninth January. ये discount thirty first December तक applicable है. Code ये use करना है. After that यू कैन यू स्टिल को डिव लाइफ लेकिन जो भी अमाउंट रहेगा उस, उसके अंदर कुछ रिडक्शन मिल जाएगा आपको सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड जो कि सिर्फ किताबों से सोशोलॉजी नहीं होगी कनेक्शन करना पड़ेगा और कनेक्शन के लिए मेंटर जरूरी है आई कैन बी वन ऑफ द मेंटर देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन शायद आप वहां से भी मेंटरशिप ले सकते हो बट मेक श्योर सोशोलॉजी में बिना मेंटर के थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा

Actually, we have changed the nature, the way in which sociology is understood. Thank you so, uh, so much. Happy New Year to all of you. Ciao. Study IQ is. Abtayari affordable.